आज मेरे पास सीएल 320 आया, 220 आया हुआ है। इसमें हम देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। प्रिंटर को हमने ऑन किया, इसमें कस्टमर के हिसाब से ही इसमें दिक्कत आ रही है, पेपर जाम की, पेपर नहीं ले रहा है। तो हम लोग देखेंगे, पूरा वीडियो देखिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ये टेक्निकल वीडियो आते रहते हैं इस चैनल पे। इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या दिक्कत आ रही है, पेपर क्यों नहीं ले रहा है, क्या किस किस कारण से इसमें दिक्कत आता है, कैसे इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें पेपर डाल दे रहे हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आप मिस कर जाएंगे, सही से आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हमने पेपर को इसमें डाला, उसके बाद से हम फोटो कॉपी कर रहे हैं। देखिए हल्का पेपर ले रहा है, फिर छोड़ दे रहा है। देखिए पेपर का इरर आ गया, इसको हम फिर कैंसिल किए, दोबारा दिखा रहे हैं आपको। हम इसको ओपन करेंगे, ओपन करके दिखा रहे हैं। ये प्रॉब्लम क्यों आती है, किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, यल 320 हो, 220 हो, 210 हो, 380 हो, 360 हो, ये सारे प्रिंटर एक ही जैसे आते हैं, सेम फंक्शन एक ही में वर्क करता है, केवल मॉडल अलग अलग है। इस वजह से ये मतलब एक का आप सॉल्व कर लेंगे तो तीनों का आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दोबारा हमने प्रिंट दिया, देखिए ऐसे आवाज़ कर रहे हैं, आवाज़ करके फिर बैक हो जा रहा है। देखिए फिर से पेपर जाम का इरर आ गया। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो हमको मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन मिलने के कारण से अच्छे अच्छे हम वीडियो लाते रहते हैं, और जितना आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, उतना हमको मोटिवेशन होगा और अच्छे अच्छे वीडियो हम लाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दो बार हमने किया, प्रॉब्लम सेम की सेम है, पेपर नहीं ले रहा है। इसको हम इसको नीचे कर दे रहे हैं, हम पीछे की तरफ से आपको दिखाएंगे, आप देखने की कोशिश करिए। देख सकते हैं, यहाँ से आप देखिए, ये रोल है जो घूम रहा है लेकिन पेपर नहीं ले रहा है। इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, हम बता रहे हैं आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले पेपर को निकालिए, ठीक है, और प्रिंटर को आप बैक साइड घुमा लीजिए ऐसे। बैक साइड घुमा लीजिए, इसको ऐसे करके इसको आराम से आप इसको ऊपर कर लीजिए। यहाँ आप देखिए एक स्क्रूप होता है, इसको खोल लीजिए आप। दोस्तों एक ही हाथ से काम कर रहे हैं, एक हाथ से हमने कैमरा पकड़ा हुआ है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए सर। देखिए हमने इसको ऐसे कर लिया, इसके राइट साइड इसको स्लाइड करेंगे तो ये निकल जाता है, यहाँ लॉक आता है। ठीक है, इसको राइट साइड स्लाइड करिए, ये निकल गया। ठीक है, ये जो स्प्रिंग है थोड़ा इसको हम और देखेंगे, थोड़ा सा टाइट करके देखेंगे।
ठीक है, इतना हम टाइट किए, ठीक है इतना काफ़ी है। फिर हम पेपर डाल के देखेंगे। प्रिंटर को फिर हम घुमा ले रहे हैं। हम कैंसिल कर रहे हैं, पेपर जाम का एरर हट गया। फिर रेडी हो गए, फिर हम लोग देखेंगे पेपर जाम क्यों कर रहा है। पेपर को निकालिए बाहर। यहाँ देखिए, यहाँ पेपर आपका मोड़ रहा है, हो सकता है कुछ इसमें फंस गया हो, तो इसको चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ पे आपका पेपर मोड़ रहा है, क्योंकि हमने हल्का स्प्रिंग टाइट किया, स्प्रिंग लग रहा है सही है, क्योंकि यहाँ कुछ रोक रहा है पेपर को अंदर जाने से, रोक रहा है क्योंकि पेपर उठा रहा है, पेपर अंदर नहीं जा पा रहा है। तो इसको आराम से निकाल लीजिए, ठीक है, को थोड़ा सा पीछे साइड करके ऐसे देख सकते हैं यहाँ से क्या चीज़ इसमें रोक रहा है, देख सकते हैं। पता नहीं आप लोग को दिखता होगा कि नहीं दिखता होगा, कोशिश कर रहे हैं हम दिखाने के लिए। यहाँ तो सही दिख रहा है, इसको बैक से हम इसको पुश कर रहे हैं ऐसे, देखिए ये उठ रहा है, हम उसमें देख सकते हैं अंदर की तरफ कुछ फंसा नहीं है। कुछ दिखा नहीं, अभी तो हमको कुछ नहीं दिख रहा है, हो सकता है अंदर की तरफ हो। प्रिंटर को पूरा खोलना पड़ेगा, हम खोल दे रहे हैं, खोल के आराम से देखेंगे हम लोग। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसको आराम से निकाल लीजिए, पत्ता होता है, स्कैनर पत्ता होता है। इसको भी खोल ले रहे हैं, खोल के देखेंगे क्या दिक्कत आ रही है इसमें। कुछ तो है जो पेपर को जाने से रोक रहा है। आगे से भी इसको खोल ले रहे हैं जो अच्छे तरह से आपको दिख रहा है, इसमें नट ही नहीं है। देखिए दोस्तों इसमें है, आपको दिख नहीं रहा होगा, अब दिखेगा। ये देखिए, ये किसी चीज़ का ढक्कन है, की क्लिप है जो कि इसमें गिरा हुआ है और जाके फंस गया था, दिख नहीं रहा था। इसको हम चिमटी के माध्यम से निकाल देंगे। ये देखिए, ये किसी चीज का ढक्कन था, ये देखिए दोस्तों, ये चीज पेपर को आपका रोक रहा था जाने से, बार बार फंस जा रहा था पेपर। इसको हम निकाल लेंगे, फिर इसको आराम से हम इसमें लगा देंगे।
डस्ट तो बहुत है, इसको आप साफ भी कर सकते हैं, ब्रश से साफ कर लीजिए। ठीक है, फिलहाल हमने ऐसे ही चेक करेंगे एक बार फिर दोबारा, मैं स्कैनर को लगाएंगे। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि प्रिंटर संबंधित हर चीज़ टेक्निकल, जैसे बहुत सारे टेक्निकल वीडियो इस पर हम लोग डालते रहते हैं, और प्रिंटर संबंधित चाहे कैमरा हुआ, अदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ हुआ, आपको अगर किसी चीज़ में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, उस पर हम लोग ज़रूर वीडियो बना देंगे और आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व हो जाएगी। तो आशा करते हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए। ठीक है, प्रिंटर ऑन कर रहे हैं। अगर इस मॉडल के प्रिंटर में अगर कोई भी समस्या आ रही है तो आप कमेंट कर लीजिए, नहीं तो इस पर और सारे कई ठो वीडियो हैं मेरे चैनल पे, आप ज़रूर देख सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखिए स्कैनर है जो इधर आता है फिर इधर जाता है, ये जा रहा है, रेडी होगा अब। देखिए हो सकता है, लग रहा है पत्ता सही से लगा नहीं है क्योंकि इतना टाइम ले रहा है रेडी होने में। देखिए क्या हो रहा है, रेडी हो रहा है कि एरर दे रहा है। देखिए ये एरर आ गया, हम फिर स्कैनर खोलेंगे, स्कैनर खोल के सही से बैठा के फिर हम आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों हमने दोबारा स्कैनर को निकाल के फिर बढ़िया से पत्ता बैठाया और ये प्रिंटर रेडी हो चुका है, क्योंकि हमने एक ही हाथ से कैमरा पकड़ा था, सही से बैठा नहीं था, इस वजह से हमको वीडियो को पॉज करना पड़ा। ठीक है, देख रहे हैं पेपर का हमने प्रिंट दिया है, देखिए एक ठो लिया, दोबारा ले लिया, ये सही हो गया। तो इस तरह का अगर दिक्कत आ रहा है तो आप चेक कर सकते हैं, रोलर भी चेक कर सकते हैं, नीचे से भी चेक कर सकते हैं, और डस्ट की वजह से भी ये होता है, इसको साफ़ और क्लीन कर सकते हैं, चाहे उसमें कुछ फंस जाता है तब भी ये दिक्कत आ रही है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व मतलब मिल जाएगा कि कैसे सॉल्व करें। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए और हमसे पूछिए, हम बताएंगे आपको कैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।